नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, डियर ऑल ऑफ फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। आज की इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं पोटैटो, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है। पोटैटो आलू के बारे में हम पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर की क्लास है, शाम को एग्रोनॉमी की क्लास होती है, जैसा कि आप सभी को पता है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पोटैटो के बारे में। तो जल्दी से जोर से बताइए गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। काफ़ी बच्चे आ चुके हैं और जो बच रहे हैं वो भी जल्दी से आ जाइए, फिर हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेजर क्रॉप है अगेन पोटैटो। इस फसल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। जल्दी से शुरू करिए, है ना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पोटैटो के बारे में, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है। ओके, काफी बच्चे आ चुके हैं, सभी आ चुके हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है बराबर, स्क्रीन सही दिख रही है आपको, मेरी आवाज सही आ रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो जल्दी से मुझे कमेंट में यस लिखकर भेजिए दोस्तों। फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना समय को बर्बाद किए हुए। फिक्स टाइम हो चुका है, क्लास का टाइम हो चुका है, राम भी काफी बच्चे आ चुके हो तो जल्दी से कमेंट में यस लिखकर भेजिए दोस्तों। अगर आप रेडी हो, आपको आवाज सही आ रही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो जल्दी से कमेंट में यस लिखकर मुझे कन्फर्म कीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। ओके, जुड़ चुके हैं, कौन कौन बच्चे जुड़ चुके हैं आज। शिवकेश आया, शिवकेश गुड इवनिंग, नीलम गुड इवनिंग, कप्तान जयप्रकाश, बलराम, उषा, कप्तान फतेह, कमलेश, प्रेम पटेल, के निर्मा, प्रीति, कुलदीप, बलराम, कप्तान, चलिए जयप्रकाश आ गया है, और नया कौन आया है आज, चलिए प्रेम पटेल, प्रीति। ओके, गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। रेडी हो ना, पेन कॉपी लेके बैठ जाना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आज की इस क्लास में आपके लिए एक सरप्राइज भी लाया हूं मैं साथ में। जब ये आलू की फसल हो जाएगी, ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में रैपिड रिविजन करेंगे। लेकिन रैपिड रिविजन से पहले मैं आपके लिए कुछ एक 10 टर्मोलॉजी से लाया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारी जेट के एग्जाम की दृष्टि से या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम, आईसीआर हो, बीएचयू या आगे और भी जो भी एग्रीकल्चर की कंपटीशन एग्जाम होती है, उनमें सभी में वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो उन 10-15 टर्मोलॉजी को मैं लेकर आया हूं, उनके बारे में हम बात करेंगे आज, है ना। तो क्लास के एंड में हम उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज की फसल आलू, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। चलिए आलू को क्या कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में बेसिक जानते हैं, जो हम हर फसल के बारे में जानते हैं, हर क्रॉप के बारे में जानते हैं। आलू को सब्जियों का राजा भी कहा जाता है, एक तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि किसी भी सब्जी के साथ हम मिक्स कर लेते हैं, किसी भी सब्जी के साथ एडजस्ट हो जाता है, ऐसे हम इसको सोच सकते हैं। तो आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। आलू का बॉटनिकल नेम क्या है, आलू का बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबेरोसम। सुबह ही हमने जब इसमें फैमिलीज पढ़ी थी, उसमें हमने आलू पढ़ा था, हमें पता है सोलेनेसी फैमिली से आता है। चलिए आगे लिख भी रहा है, कुल जो है इसका क्या है, सोलेनेसी है, तो सोलेनेसी फैमिली से आता है, इसलिए सोलेनम आगे लग जाएगा इसके। और ट्यूबेरोसम मतलब इसमें क्या होती है, ट्यूबर होता है ना, तो इसलिए इसमें के नाम में ट्यूबेरोसम लग जाएगा। तो बॉटनिकल नेम याद करने में कोई टफ तो नहीं है ना, आसानी से कर सकते हो। सोलेनेसी फैमिली से है तो सोलेनम लगेगा, और इसका ट्यूबर हम काम में लेते हैं, इसलिए इसमें ट्यूबेरोसम इसके नाम के पीछे लगता है ना। अब चूंकि इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं कि सोलेनम ट्यूबेरोसम इसका बॉटनिकल नेम है, तो फर्स्ट वाला नाम है सोलेनम, सोलेनम से मिलकर बना है सोलेनेसी, उससे रिलेट कर लेंगे, तो सोलेनेसी इसकी क्या हो जाती है, फैमिली हो जाती है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें उद्भव के बारे में बात करते हैं, इसके ओरिजिन प्लेसेस के बारे में बात करते हैं। आलू का ओरिजिन प्लेस है दक्षिणी अमेरिका, पेरू, ठीक है। आलू का अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहां पर है, लीमा, पेरू के अंदर है, इसका उत्पत्ति स्थान भी कहां से हुआ, पेरू से हुआ था इसलिए, है ना। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है, शिमला के अंदर है, याद रखना, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो शिमला में है।
और आलू में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 2n बराबर 4x होता है ये, ठीक है, और 2n बराबर कितने होते हैं, 48 होते हैं, 48 इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, आलू के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। चलिए और कौन कौन आ चुके हैं, काफी बच्चे नए आ चुके हैं, सभी जुड़ जाइए, फिर शुरू करते हैं, है ना। ठीक है, तो आलू का हम इसमें बेसिक हमने पढ़ लिया, आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है, आलू का जो वानस्पतिक नाम होता है वो सोलेनम ट्यूबेरोसम होता है, आलू का जो कुल होता है वो क्या होता है, आलू का जो कुल होता है वो सोलेनेसी कुल होता है, इसका उद्भव स्थान ओरिजिन प्लेस जो है वो दक्षिण अमेरिका है, पेरू है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ पर है, लीमा पेरू के अंदर है, और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो भी वो शिमला के अंदर है ना। आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 48 होती है, 48 इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है। चलिए आगे चलते हैं, हम इसमें नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं, आलू में प्रोटीन कितना पाया जाता है, आलू के अंदर 16-20% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, आलू के अंदर 16-20% प्रोटीन पाया जाता है, और आलू के फल का प्रकार क्या है, बेरी या सरस जिसको हम बोलते हैं, है ना, आलू के फल का प्रकार है बेरी या सरस। आलू किस प्रकार का फल है, तने का रूपांतरण है, है ना, आलू जो है तने का रूपांतरित फल है, और आलू के अंदर क्या पाई जाती है, आलू में स्टार्च पाई जाती है जिसे हम फरीना कहते हैं, ठीक है, आलू के अंदर स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है। ओके, आलू के अंदर जो सुगंध आती है, आलू के अंदर जो इसमें स्पेसिफिक सुगंध जो आती है वो किसके कारण आती है, डाइमिथाइल पाइराइजिन के कारण आती है, किसके कारण आती है, डाइमिथाइल पाइराइजिन के कारण आलू के अंदर सुगंध आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी वीडियो को हम आगे चलने से पहले एक बार मैं कहना चाहूंगा, आप काफी बच्चे इसको देख रहे हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए शुरू में, ठीक है, फिर हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आलू के अंदर ये हो गया, इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है, इसमें से जो पॉइंट जो है, स्पेशल पॉइंट जो है क्वेश्चन आते हैं वो एक तो ये आता है कि आलू के फल का प्रकार क्या होता है, सरस या बेरी होता है, और आलू किस प्रकार का है, आलू तने का रूपांतरण, इसमें तना नहीं होता है, तना जो होता है वो रूपांतरित हो जाता है जड़ में, ठीक है, उसमें ट्यूबर में, तो वो रूपांतरित रूप है इसका, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, हम इसमें बात करते हैं क्लाइमेट्स के बारे में, जलवायु के बारे में बात करते हैं, आलू को किस प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है, तो आलू को ठंडी जलवायु की फसल है, ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, आलू में अंकुरण के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा वृद्धि के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और कंद निर्माण के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड या मैक्सिमम 17 से 19 होना चाहिए, 21 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर 21 से 23 होना चाहिए, 23 से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, 23 से ज्यादा अगर इसका वो होता है तो क्या होता है, बाद में इसमें जो कंद निर्माण जो है वो रुक जाएगा, ठीक है। और सर्वाधिक कंद का निर्माण कब होता है, जब दिन का तापमान 20 डिग्री और रात का तापमान 14 डिग्री होता है, तो सर्वाधिक तापमान इसमें कंद का निर्माण जो है वो सर्वाधिक होता है, ठीक है। आलू जो होता है वो C3 टाइप का पौधा है, आपको दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आलू है C3 टाइप का पौधा है और दीर्घ दिवस पौधा है, ठीक है, दीर्घ दिवस पौधा है, लेकिन कंद निर्माण के समय यह है लघु दिवसीय पौधा बन जाता है, ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। चलिए क्लियर हो, ठीक है, तो यहां पर एक थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, हो सकता है मैं वापस से क्लियर कर देता हूं कि आलू पहली बात तो ठंडी जलवायु का पौधा है, ठीक है, अंकुरण के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है, वृद्धि के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है, कंद निर्माण को लेकर स्पेसिफिक बात यह कि 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है, 23 डिग्री से यदि अधिक तापमान बढ़ेगा तो कंद का निर्माण रुक जाएगा, कंद का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात बताई गई कि सर्वाधिक कंद का जो निर्माण है वो किस टेम्परेचर होता है, जब दिन का तापमान जो है वो 20 डिग्री हो और रात्रि का तापमान यदि 14-15 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो वहां पर कंद का निर्माण जो होता है वो ज्यादा होता है ना। आलू एक C3 टाइप का पौधा है, क्योंकि ठंडी जलवायु चाहिए इसलिए आलू जो है वो दीर्घ दिवस पौधा है, ठीक है, लेकिन दीर्घ दिवस पौधा है, लेकिन जब इसमें कंद निर्माण होता है तो उस टाइम पे ये लघु दिवस पौधा बन जाता है, क्लियर है, शॉर्ट डे प्लांट बन जाता है, पहले लॉन्ग डे प्लांट होता है। ओके, मिट्टी की बात करते हैं, तो मिट्टी आलू के लिए जो मिट्टी है वो 5 से 6.5 पीएच की मिट्टी जो है वो आवश्यक होती है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, हम इसमें किस्मों के बारे में बात करते हैं, वैरायटीज के बारे में बात करते हैं, किस्में कौन कौन सी होती हैं, इसमें 3 प्रकार की किस्में होती हैं, अगेती प्रकार की किस्में होती हैं, मध्यम प्रकार की किस्में होती हैं और देरी से पकने वाली किस्में होती हैं, ठीक है। सबसे पहले अच्छा एक बात यह याद रखना कि जिन फसलों के सामने जिस किस्म के सामने कुफरी लग जाए वो समझ जाना वो आलू की किस्म है, क्लियर है थोड़ा, ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जिस फसल के किस्म के सामने कुफरी लगा है मैक्सिमम वो सारी की सारी आलू की फसल ही है। जिस प्रकार से हम शुगर कैन में देखते हैं, शुगर कैन की जितनी भी फसल क्रॉप वैरायटीज हैं उन सभी के सामने CO लगता है ना, तो उसी प्रकार से जिन फसलों के सामने कुफरी लग जाता है, जिन क्रॉप वैरायटीज के सामने कुफरी लग जाए वो मैक्सिमम आलू की ही वैरायटी है ना,
कौन कौन सी अगेती वैरायटी, कौन कौन सी अगेती की हम बात करते हैं, कुफरी चंद्रमुखी, ठीक है, कुफरी जवाहर, कुफरी पुखराज, ये अगेती किस्में हैं, ठीक है। मध्यम किस्मों की बात करते हैं तो कुफरी लालिमा, कुफरी चिप्सोना और कुफरी स्वर्णा, ठीक है। कुफरी स्वर्णा जो है वो सूत्रकृमि रोगी किस्म है, कुफरी स्वर्णा स्वर्णा जो है सूत्रकृमि रोगी किस्म है। देरी से पकने वाली किस्म कौन कौन सी, कुफरी गिरिराज और कुफरी चमत्कार। आपको ये लगभग लगभग वैरायटीज याद रखनी है, ठीक है। खासकर आपको दो चार वैरायटी में आपको मेरी तरफ से जो इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ ये है कुफरी चंद्रमुखी हो गया, कुफरी पुखराज हो गया, कुफरी जवाहर हो गया, कुफरी सारी वैसे तो इंपॉर्टेंट ही है ना, तो ऐसा और कुफरी गिरिराज, ये वैरायटी ऐसी है जो पूछी गई है अभी तक, लेकिन सारी वैरायटी याद रखनी है और आपके लिए याद करना इजी भी रहेगा क्योंकि इसके नाम के सामने कुफरी लग रहा है, तो यदि कुफरी लग रहा है तो आप समझ जाया करना कि वो किस प्रकार की फसल है। कुफरी लग जाए तो वो आलू की वैरायटी है, आलू की वैरायटी के बारे में बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें किस्म हो गए, उसके बाद हम बात करते हैं बुआई के समय के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें प्लांटेशन टाइम कब चाहिए होता है, कितना आवश्यक होता है, तो उत्तरी भारत की हम बात करते हैं, उत्तरी भारत में अगेती जो किस्म है उसमें 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक हम कर सकते हैं। मध्यम फसल अगर हमें लेनी है मध्यम फसल के लिए 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इसमें प्लांटेशन का प्लांटिंग का टाइम होता है। और पहाड़ी क्षेत्रों पर भी हम आलू उगा सकते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में जनवरी फरवरी में हम प्लांटिंग करते हैं, बुआई जो है वो जनवरी या फरवरी के अंदर हमें कर देनी चाहिए, क्लियर है। इस प्रकार से हमें इसमें बुआई का सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, इस प्रकार से ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें सीड रेट की बात करते हैं, बीज दर की बात करते हैं। बीज दर जो है वो 20 से 25 क्विंटल कंद पर हेक्टेयर, ठीक है। यहां पर बीज नहीं है, ध्यान रखना 20 से 25 कंद की क्या होती है, संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसीलिए 20 से 25 क्विंटल कंद प्रति हेक्टेयर हम यहां पर सीड रेट काम में लेते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, बीज दर काम में ले ली, बीज दर के बाद में हम बीज को उपचारित करेंगे। तो बीज उपचार इसमें आलू के अंदर क्या होता है दोस्तों, सुसुप्त अवस्था पाई जाती है ना, डोरमेंसी पाई जाती है। तो डोरमेंसी को तोड़ने के लिए, सुसुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें काम में लेते हैं रसायन, उस रसायन के बारे में बात करते हैं और वहां से क्वेश्चन भी आता है ना। सुसुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए 1% थायो यूरिया, इस थायो यूरिया को आप स्टार डाल लो, घोल के पी जाना, मतलब अच्छे से याद कर लो, ठीक है। थायो यूरिया जो है वो काम में लेते हैं इसकी डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने के लिए, डोरमेंसी को तोड़ने के लिए थायो यूरिया काम में लेते हैं, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। और थायो यूरिया के साथ में हम और भी ले सकते हैं 1 ppm जिब्रेलिक एसिड लेते हैं, ठीक है, प्लस 3% पोटेशियम थायोसायनेट भी काम में ले सकते हैं उसकी डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसकी सुसुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए। ये क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलू की सुसुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए किस रसायन का काम में लेते हैं। तो आलू की सुसुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए हम क्या काम लेते हैं, 1% थायो यूरिया काम में लेते हैं, प्लस 1 ppm जिब्रेलिक एसिड, प्लस 3% पोटेशियम थायोसायनेट काम में लेते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसमें बुआई का तरीका, ठीक है। बुआई का तरीका हम मेड पर बुआई कर सकते हैं, ठीक है, मेड बनाते हैं ना, तो मेड पर बुआई करते हैं, तो उसमें मेड जो है वो 10 से 12 सेंटीमीटर ऊंचाई की होनी चाहिए, या समतल विधि से भी हम उसमें जो बुआई है वो कर सकते हैं, सोविंग कर सकते हैं। दूरी कितनी रखते हैं इसमें, अगर जो अगेती किस्म हम बो रहे हैं तो उसमें हम दूरी रखते हैं 60x20, ठीक है, 60x20 इसमें R×P डिस्टेंस रखते हैं और 8 सेंटीमीटर इसमें डेप्थ रखते हैं, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि मेड पर बुआई कर रहे हैं तो वहां पर हम 10 से 12 सेंटीमीटर की हम उसमें ऊंचाई रख रहे हैं, तो कम से कम 8 से 9 सेंटीमीटर हमें उसमें गहराई में उसको डेप्थ में बोना चाहिए, जो हम काम लेंगे ना, आंख काम लेते हैं इसमें, है ना, उस प्रकार से। तो दूरी जो है वो कितनी होती है, 60x20 होती है अगेती किस्म के लिए, अगेती हम फसल अगर ले रहे हैं तो, और अगर समय पर ले रहे हैं, सामान्य फसल ले रहे हैं, तो वहां पर हमें जो दूरी है वो 45x20 रखते हैं, डिस्टेंस डेप्थ जो है हम वही रखेंगे, 8 सेंटीमीटर गहराई में ही हम उसको बोएंगे, ठीक है। तो 45x20 हम क्या रखते हैं वहां पर, R×P रखते हैं, ओके। नेक्स्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया की जाती है, अर्थिंग अप जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, अर्थिंग अप की प्रक्रिया भी इसके अंदर की जाती है। कब करनी चाहिए, 40 दिन के बाद करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, याद रखना, अर्थिंग अप जो है वो कब करते हैं हम, 40 दिन के बाद करते हैं, क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। बीज दर की हम बात कर रहे थे यहां पर, बीज दर, ठीक है, 20 से 25 क्विंटल कंद ट्यूबर आवश्यक होते हैं पर हेक्टेयर, ठीक है। इसके अंदर सुसुप्त अवस्था पाई जाती है आलू के अंदर, सुसुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए हम 1% थायो यूरिया काम लेते हैं, मेजोरिटी आपको बस थायो यूरिया ही याद रखना है, इसके अलावा और भी केमिकल हैं जैसे कि जिब्रेलिक एसिड हो गया, पोटेशियम थायोसायनेट हो गया, ये भी हम काम में ले सकते हैं। बुआई का तरीका जो है वो दो प्रकार से हम आलू की बुआई कर सकते हैं, या तो हम मेड पे बो सकते हैं, अगर हम मेड पे इसकी बुआई कर रहे हैं तो 10 से 12 सेंटीमीटर ऊंचाई की मेड होनी चाहिए, और यदि हम समतल उसमें कर रहे हैं, फ्लैट में, फ्लैट मेथड से हम कर रहे हैं, समतल विधि से काम ले रहे हैं तो नॉर्मली। यदि अब इसमें
फसल जो है वो दो प्रकार से लेते हैं, अगर हम अगेती फसल ले रहे हैं तो डिस्टेंस जो है वो ज्यादा रखेंगे, आर एन टू पी जो है वो ज्यादा रखेंगे, वो कितनी रखेंगे 60:20 रखेंगे, और यदि हम वहां पर समय पर बुवाई कर रहे हैं उसकी तो उसमें जो डिस्टेंस है वो नॉर्मल रखेंगे, और नॉर्मल जो डिस्टेंस होती है इसकी वो होती है 45:20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अंदर एक मुख्य क्रिया की जाती है, मुख्य ऑपरेशन किया जाता है जिसका नाम है अर्थिंग अप। अर्थिंग अप भी इसके अंदर हम करते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मिट्टी चढ़ाना। ठीक है, वो कब करते हैं, वो 40 दिन के बाद करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, कब करते हैं वो 40 दिन के बाद करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसमें सीड डेट के बारे में जान लिया, उसकी डोरमेंसी किस प्रकार से तोड़ते हैं वो जान लिया, इसमें सोविंग का तरीका क्या है, मेथड ऑफ सोविंग जान लिया, उसमें डिस्टेंस क्या रखते हैं और अर्थिंग अप कब करनी चाहिए यो हमने जान लिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि आलू में एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं ट्रू पोटैटो सीड। क्या बोलते हैं? ट्रू पोटैटो सीड। 5 स्टार डाल लेना, मोस्ट वेरी मोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रू पोटैटो सीड के बारे में पूछा जाता है दोस्तों। ट्रू पोटैटो सीड क्या होता है, किस प्रकार से, उन सभी को हम देखते हैं। एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आलू का सत्य बीज अवधारणा, ये किसने दी थी? रामानुजन ने, ठीक है, रामानुजन ने दी थी, इसका याद रखना है। टीपीएस विकसित की गई थी, ठीक है। ट्रू पोटैटो सीड इसमें किस किस्म में होता है, ये फुलवा किस्म में इसको काम में लिया गया था, फुलवा किस्म में। इसके अंदर क्या होता है, बीज दर हम कम रखते हैं और आलू को नर्सरी के अंदर तैयार करते हैं, फिर उसके बाद में हम उसको खेत के अंदर स्थानांतरित करते हैं। तो इसमें बीज दर कितनी आवश्यक होती है, 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर बीज दर आवश्यक होती है, तथा नर्सरी में बोते हैं तो इसीलिए नर्सरी का जो क्षेत्रफल होता है वो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें रखते हैं। क्लियर हो गया। ट्रू पर क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आता है, टीपीएस ट्रू पोटैटो सीड में सीड रेट जो है वो कितनी रखते हैं, तो टीपीएस ट्रू पोटैटो सीड में हम जो सीड रेट रखते हैं, बीज दर रखते हैं, वो 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर रखते हैं और नर्सरी क्षेत्र पर 75 सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब वो फसल बड़ी हो जाती है तो उसको हम खेत में स्थानांतरित कर देते हैं। तो खेत में जो स्थानांतरण किया जाता है वो कब किया जाता है, 30 दिन के बाद किया जाता है। कब किया जाता है, 30 दिन के बाद खेत में उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया यहां तक, अच्छे समझ में आ गया। टीपीएस मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है, आलू जहां पर आता है वहां टीपीएस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, जहां आलू की बात आती है वहां टीपीएस के बारे में जरूर पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी सीड रेट पूछी जाती है आलू की। टीपीएस की सीड क्या होती है, 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट होती है। चलिए क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में दोस्तों, कि कितने मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर आवश्यक होते हैं, कौन कौन से आवश्यक होते हैं, कब देने चाहिए, कौन कौन से नहीं देने चाहिए, इसमें यह भी स्पेसिफिक पॉइंट है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए बात करते हैं, आलू की फसल को सर्वाधिक उर्वरक की जरूरत होती है। ठीक है, आलू की फसल में 150 kg नाइट्रोजन, 60 kg फॉस्फोरस और 60 से 80 kg पोटास की जरूरत होती है। क्या याद रखना है हमें, 150 नाइट्रोजन, फिर हमें 60 याद रखना है, 60 फास्फोरस और फिर 60 ही हमें याद रखना, 60 से 80 पोटास। ठीक है, तो क्या हो गया इसका, 15, 6 और 6। ठीक है, याद हो जाएगा, आलू में क्या संख्या याद रखनी, 15, 6 और 6 याद रखना है। 150 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन देते हैं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की इसको जरूरत होती है। उसके बाद में फास्फोरस देते हैं, 60 kg पर हेक्टेयर फास्फोरस देते हैं। उसके बाद में 60 से 80 kg पोटास देते हैं, एनपीके याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आलू के अंदर जो पोटास है वो पोटेशियम सल्फेट नामक उर्वरक काम में लेते हैं। ठीक है, जनरली हम क्या होते हैं, एमओपी के द्वारा हम देते हैं, जितनी भी फसल है उनमें म्यूरेट और पोटास काम में लेते हैं, लेकिन 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 आलू के अंदर म्यूरेट और पोटास काम में नहीं लेंगे। इसको स्टार डाल लेना दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट, ये उल्टा हो गया, एक सेकंड में आपको वापस से बनाता हूं। एमओपी हम म्यूरेट और पोटास काम में लेते हैं सभी के लिए, ठीक है, जितनी भी फसल है उसमें म्यूरेट और पोटास काम में लेते हैं, लेकिन आलू के अंदर उसको हम काम में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, आलू के अंदर ही नहीं, इवन और भी ऐसी फसलें हैं जिनके अंदर हम एमओपी काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि एमओपी के अंदर म्यूरेट और पोटास के अंदर जो पोटेशियम होता है वो क्या करता है, इनके अंदर जो शुगर कंटेंट होती है, जो शर्करा की जो मात्रा होती है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। आलू के अंदर इनका जो मेन कंपोनेंट है उसको ये डिस्टर्ब कर देता है। कौन कौन सी फसल है जिनके अंदर हम एमओपी उर्वरक यूज नहीं लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो म्यूरेट और पोटास, ठीक है, का इस्तेमाल गन्ना, आलू, तंबाकू, चुकंदर और टीवी ले सकते हो, टी चाय इनके अंदर हम नहीं करते हैं। इसको आप डबल स्टार डाल लेना, कॉपी के माथे पर लिख लेना अच्छे से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमओपी का उपयोग किन किन फसलों में नहीं करते हैं, इनमें से किसी भी एक फसल को दे दिया जाएगा आपके ऑप्शन में और डेफिनेटली वहां से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है,
क्यों नहीं करते हैं उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या करता है, एमओपी जो होता है उन क्रॉप्स के अंदर जो मेन उनका जो कंपोनेंट होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है। जैसे 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 आलू जो होती है, आलू के अंदर मेन चीज सॉरी गन्ना है, गन्ना के अंदर मेन चीज क्या है, शुगर है, ठीक है, शर्करा है, सुक्रोज है। अगर आलू मीठा नहीं होगा, आलू के अंदर सुक्रोज नहीं होगी तो आलू कोई काम सॉरी गन्ना कोई काम का नहीं रहेगा। तो एमओपी यदि हम गन्ने के अंदर यूज करते हैं तो उसका जो शुगर कंटेंट है उसको ये डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है, तो इसलिए हम गन्ने के अंदर उसको यूज नहीं करते हैं। आलू की बात करते हैं तो आलू के अंदर भी शर्करा पाई जाती है, चुकंदर के अंदर भी शर्करा पाई जाती है। तो गन्ना, आलू और चुकंदर, इन तीनों में शर्करा होती है मेन, उस शर्करा को क्या करता है एमओपी जो है वो डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए हम एमओपी काम में नहीं लेते हैं। और तंबाकू के अंदर क्या होता है, तंबाकू या टी चाहे इनके अंदर निकोटीन होता है ना, निकोटीन होता है कि नहीं होता है, तो उस निकोटीन को डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए हम तंबाकू के अंदर भी एमओपी का काम में नहीं लेते हैं। आप सभी को दोस्तों ये याद रखना है, क्लियर हो गया। तो खाद और उर्वरक में ये इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि एमओपी का उपयोग किन किन फसलों के अंदर नहीं करते हैं या क्यों नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंचाई के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, इरिगेशन के बारे में बात करते हैं, कितनी आवश्यक होती है और कब कब देनी चाहिए। तो आलू की जो वाटर रिक्वायरमेंट है, जो जल मांग है वो कितनी होती है, 400 से 600 एमएम, ठीक है, 400 से 600 एमएम इसकी रिक्वायरमेंट होती है आलू के अंदर। सिंचाई कब देनी चाहिए, सिंचाई की जो क्रांतिक अवस्था है वो पॉड फॉर्मेशन पर, ठीक है, कंद निर्माण के समय देनी चाहिए, कंद निर्माण के समय देनी चाहिए और कंद का लंबा होना उस समय हमें देनी चाहिए। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। आलू में सिंचाई की जो क्रांतिक अवस्था है वो पॉड फॉर्मेशन पर मेन है, पॉड फॉर्मेशन, तो पॉड फॉर्मेशन पर हमें कंद निर्माण के समय देनी चाहिए। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं, इसमें नेक्स्ट बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार लगते हैं उनका नियंत्रण हम किस प्रकार से करते हैं, किन किन का उपयोग करते हैं वीड मैनेजमेंट के लिए। तो एक हम करते हैं एट्राजीन काम में लेते हैं, एट्राजीन कितना काम लेते हैं, 0.5 केजी पर हेक्टेयर की दर से अंकुरण से पहले हम एट्राजीन काम में लेते हैं। यदि एट्राजीन नहीं है तो हम वहां पर वैसालिन भी काम ले सकते हैं, 0.6 केजी पर हेक्टेयर पहले खेत में मिला देना चाहिए। तो क्लियर हो गया, सिंचाई के बारे में हमने बात की, सिंचाई कितनी आवश्यक होती है, 400 से 600 एमएल सिंचाई आवश्यक होती है और इसकी जो क्रिटिकल स्टेज है सिंचाई की वो क्या है, क्रांतिक अवस्था जो है क्या है, पॉड फॉर्मेशन, कंद निर्माण के समय हमें सिंचाई देनी चाहिए इसके अंदर, है ना। खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं तो एट्राजीन और वैसालिन इसमें काम में लेते हैं एज ए हर्बिसाइड के रूप में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अंदर एक और टेक्निक है, एक तो ट्रू पोटेटो सीड है, ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं कि उसको पोटेटो को हम नर्सरी में तैयार करते हैं और उसके 30 दिन बाद हम खेत में ले जाते हैं। एक दूसरी टेक्नोलॉजी इसमें आती है सीड प्लॉट टेक्निक, सीड प्लॉट टेक्निक ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या होती है, यह तकनीक जो है पुष्कर नाथ ने विकसित की थी और इसमें क्या होता है, इससे विषाणु रहित पौधे जो है वो उत्पन्न किए जाते हैं। ट्रू उसमें सीड प्लॉट टेक्निक से जो होता है क्या होता है, ट्रू पोटेटो सीड से विषाणु रहित पौधे जो हैं वो उत्पन्न किए जाते हैं। क्लियर है, ट्रू पोटेटो सीड किससे संबंधित है, वो तो आलू से है, और सीड प्लॉट टेक्निक किससे संबंधित है, आलू से है, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें बीमारियों के बारे में बात करते हैं, डिजीज के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी डिजीज इसमें लगती है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट डिजीज है पछेती झुलसा, लेट ब्लाइट जिसको हम बोलते हैं, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है, लेट ब्लाइट पोटेटो इसमें लगता है। किसके द्वारा लगती है, यह है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस कवक के द्वारा लगती है। किसके द्वारा लगती है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो, ये क्वेश्चन आता है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के कारण लगती है, इसको लिख लेना। यह आलू की क्या है, मुख्य बीमारी है तथा इसमें क्या होता है, पछेती झुलसा, ठीक है, झुलसा मतलब क्या होगा कि हमें झुलसा हुआ दिखाई देगा पौधा, लेकिन पछेती का मतलब क्या है कि जो होता है अगेती होता है और पछेती होता है। अगेती का मतलब होता है कि किसी भी डिजीज के यदि सिम्टम्स जो है वो हमें अर्लियर स्टेज में दिख जाते हैं, पहले ही दिख जाते हैं, ठीक है, और उस स्टेज पर दिखते हैं उस पर हम उसका क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अगेती। पछेती का मतलब होता है कि ऐसी अवस्था पर दिखते हैं कि ऑलरेडी वो उस पूरे प्लांट के अंदर वो फैल चुका होता है, पूरे पौधे के अंदर वो जो रोग है वो फैल चुका होता है, फिर हम उसमें उसका कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं पछेती, ठीक है। तो पछेती झुलसा क्या होती है कि फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के कारण होती है, जो एक मुख्य बीमारी है आलू की, और ये कब दिखती है, जब दिखती है जब हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये पूरे प्लांट के अंदर फैल चुकी होती है, डिस्टर्ब हो चुकी होती है, तब हमें दिखती है। तो आलू की मुख्य बीमारी है और इसमें पौधा जो है वो कैसा दिखाई देता है, जला हुआ नजर आता है, जला हुआ दिखाई देता है। इस बीमारी के कारण आयरलैंड में 1945 में अकाल पड़ा था, ठीक है, क्योंकि सभी के अंदर लगा था, तो इस वजह से क्या हुआ था, पछेती झुलसा फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के कारण आयरलैंड में 1945 में अकाल पड़ा था, ये क्वेश्चन आता है।
इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, इसका जो हम उपचार है इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड काम में लेते हैं 0.3%, उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। क्या काम में लेते हैं? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% काम में लेते हैं, तथा मेनकोजेब भी काम में ले सकते हैं 0.2%। ठीक है दोस्तों, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है ये, अगेन आपको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जोर देकर बता रहा हूँ। लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो किसके कारण होती है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के कारण। अब थोड़ा सा मैं आपको रिलेट कर लेता हूँ, है ना। देखो लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो लग रही है भाई साहब इसमें, है ना, और हमें ध्यान ये रखना है कि इसके कारण आयरलैंड में अकाल पड़ा था, मतलब एक बहुत बड़ी इसमें त्रासदी मचा दी थी। ठीक है, लेट ब्लाइट मतलब सबसे लेट आई थी, लेकिन याद कैसे करना कि वहां पर फिर अकाल पड़ा, अकाल के अंदर क्या होता है, लोग इधर उधर भागते हैं तो फाइट होने लग जाती है, लड़ाई होती है कि नहीं होती है भाई, अकाल पड़ता है तो सब भूखे मरते हैं, भूखे पैसे मरते हैं तो आपस में लड़ने लग जाते हैं, मेरे को खाना दे मेरे को खाना दे, मैं यहाँ रहूंगा, ऐसे वगैरह वगैरह, तो फाइट करने लग गए थे आयरलैंड। अब आयरलैंड गए तो हम वहां पर लड़ाई नहीं बोलेंगे, वो इंग्लिश में बोलते हैं ना तो फाइट बोलेंगे, तो फाइट करने लग गए थे, तो पछेती झुलसा के कारण क्या होने लगी थी, फाइट होने लगी थी आयरलैंड में, है ना, वहां पे अकाल पड़ गया था, तो इसीलिए फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, इन सब के अंदर क्या हो गई, फाइट होने लग गई थी, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो पछेती झुलसा के कारण आयरलैंड में अकाल पड़ा था, ठीक है, 1945 में, इसीलिए उन सब में क्या हो गई, फाइट होने लग गई, तो क्या हो गया वहां पर, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस हो गया। तीनों शब्द आपको याद हो जाएंगे, तीनों ही काम के हैं, है ना, यही एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है, ट्रिक याद रहेगी ना आपको, याद रखना है। ठीक है, ये तो था लेट, अब हम बात करते हैं अर्ली झुलसा, अर्ली ब्लाइट के बारे में बात करते हैं। ये किसके द्वारा होती है? अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण होती है। किसके द्वारा होती है? अल्टरनेरिया सोलेनाई। अब इसको कैसे याद करना है, इसको भी आप थोड़ी सा एक रिलेट कर सकते हो इस अपनी एक स्टोरी से, कैसे कि अल्टरनेरिया सोलेनाई जो है, ठीक है, सोलेनाई मतलब सोलम सोलेनेसी ट्यूबर, ठीक है, आलू में है। अल्टरनेरिया का मतलब क्या होता है? अगेती झुलसा में क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि ये पहले ही दिखाई देते हैं, इसमें से जो सिम्टम्स होते हैं वो पहले ही दिखाई देते हैं, तो हम उसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो रोग है वो क्या करता है, अल्टरनेट अपना एक होस्ट रखता है कि भाई चलो यहां पर अगर किसी को पता चल गया कि मैं इसमें फैल रहा हूं तो वो किसी दूसरे पर चला जाएगा, अल्टरनेट सोर्स रखता है ना। तो इस प्रकार से याद रख सकते हो, ऐसे एको मिला सकते हो आप, ठीक है, ऐसे एको रिलेट कर सकते हो, अगेती झुलसा अर्ली ब्लाइट मतलब अल्टरनेरिया, और किसमें होता है, इसमें ट्यूबर में होता है तो सोलेनाई, तो अल्टरनेरिया सोलेनाई, आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो इसके नेम को। मैं आपको इनके नाम यहीं पर इसलिए याद करा रहा हूं, पहली बात तो आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, यहीं याद हो जाएंगे, दूसरी बात यह है कि ये एग्जाम में भाई साहब पूछे जाते हैं तो आपको याद करने का फर्ज बनता है ना। तो अगेती झुलसा अर्ली ब्लाइट जो है वो अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण होती है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हम ब्लैक स्कर्फ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ब्लैक स्कर्फ क्या होता है, यह जो बीमारी है वो राइजोक्टेनिया सोलेनाई के कारण होती है। इसमें एगलोल से बीज उपचार करते हैं, एगलोल और कहां पे काम में लेते हैं, एगलोल एराटोल जो हम काम में लेते हैं शुगर कैन के अंदर काम में लेते हैं, ठीक है, वहां पर रेड रूट ऑफ शुगर कैन जो डिजीज होती है उसके कंट्रोल के लिए हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं एगलोल एराटोल से, तो वो हम यहां पर भी सीड ट्रीटमेंट के रूप में काम में लेंगे, ठीक है। ब्लैक स्कर्फ जो है ये बीमारी राइजोक्टेनिया सोलेनाई के द्वारा होती है, और इसके लिए हम एगलोल से उसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं, बीज उपचार करते हैं, क्लियर। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, हम स्कैब डिजीज जो होती है यह बीमारी किसके द्वारा होती है, स्ट्रेप्टोमाइसी स्कैबी के द्वारा होती है, यह बीमारी किसके द्वारा होती है, स्ट्रेप्टोमाइसी स्कैबी के द्वारा होती है, तथा यह क्षारीय भूमि के अंदर ज्यादा होती है, इसीलिए इसमें इस बीमारी के लिए बोरिक अम्ल से बीजोपचार करते हैं, क्या करते हैं, स्कैब के लिए बोरिक अम्ल से बीजोपचार करते हैं, याद रहेगा स्कैब जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसी स्कैबी, स्कैब स्कैबी दोनों नाम एक जैसे हैं तो याद रखना है ना, रिलेट कर लेना, स्कैब जो है वो बीमारी स्ट्रेप्टोमाइसी स्कैबी के कारण होती है, जो क्षारीय जो भूमि है उनके अंदर ज्यादा होती है, बेसिक सॉइल्स के अंदर ज्यादा होती है, और इसके लिए इसके कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए हम बोरिक एसिड से हम क्या कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बोरिक अम्ल से सीड ट्रीटमेंट हम उसमें बीज उपचार कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली डिजीज कौन सी थी, पछेती झुलसा लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो, ठीक है, उसके बाद में आती है अगेती झुलसा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटेटो, उसके बाद में ब्लैक स्कर्फ और उसके बाद में स्कैब, चार डिजीजें आप लोगों को याद रखनी है, इनमें से लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 स्टार, फिर अर्ली ब्लाइट है 1 स्टार, इन दोनों को तो जरूर याद रखना। चलिए दोस्तों क्लियर है, इसके साथ में ही हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो डिजीज है वो है वार्ट रोग, ठीक है, वार्ट डिजीज ये है साइचिट्रियम एंडोबायोटिकल कवक के द्वारा होती है, साइट्रिचियम एंडोबायोटिकल कवक के द्वारा होती है, याद रखना है। उसके बाद में सुनहरा सूत्रकृमि निमेटोड के द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, यह है ग्लोबडेरा रोस्टाकाइनेंसिस सूत्रकृमि के द्वारा होती है, निमेटोड के द्वारा होती है, क्लियर हो गया दोस्तों, सूत्रकृमि द्वारा होती है। आलू का मुख्य रोग जो होता है वो कौन सा होता है, ट्यूबर मोथ होता है, आलू का मुख्य रोग जो होता है वो कौन सा होता है, ट्यूबर मोथ होता है, क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट पर हम चलते हैं, उसके बाद में हम बात करते हैं कीटों के बारे में, कौन कौन से इसमें कीट लगते हैं। तो कटवर्म कीट लगता है इसके अंदर एक तो, ठीक है, और दूसरा कटवर्म कीट लगता है, यह कीट खेत व भंडारण दोनों जगह नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, कटवर्म डिजीज होता है खेत और भंडारण दोनों जगह नुकसान पहुंचाता है। इसके अंदर जो उपज प्राप्त होती है वो 300 से 400 क्विंटल पर हेक्टेयर उसमें उपज प्राप्त होती है। क्लियर है? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, हम इसमें दैहिक विकार की बात करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से इसमें दैहिक विकार की हम बात करते हैं, कौन कौन से इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। दोस्तों अगर नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाए, वीडियो आप रुक जाए, तो डोंट वरी, विद इन 1 या 2 मिनट में ये वीडियो वापस स्टार्ट हो जाएगी। जब तक चल रही चलने दीजिए, है ना, हो सकता है आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम आ सकती है अभी 1-2 मिनट में, तो जल्दी से मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ स्पीड को। इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, कौन कौन से होते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं इसमें, ब्लैक हार्ट और कंद का हरा आना, ठीक है, ग्रीनिंग हो जाता है। ठीक है, ब्लैक हार्ट क्या होती है? ब्लैक हार्ट यह रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ब्लैक हार्ट, याद रखना है। ब्लैक हार्ट जो होता है आलू काला काला सा हो जाता है ना, तो भंडारण के अंदर यदि ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है तो किसकी वजह से होती है? भंडारण के अंदर यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहां पर ब्लैक हार्ट रोग होने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद में कंद का हरापन, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंद का हरापन जो होता है वो किसके कारण होता है? कंद का जो हरापन है वो सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने से होता है। खेत के अंदर क्या होता है दोस्तों, जब आलू मिट्टी के ऊपर आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की किरणें आलू पर पड़ने लगती हैं, तो जिस वजह से वो जो कंद है, जो भाग मिट्टी के ऊपर आ गया है, मिट्टी जिस पर नहीं ढकी हुई है, ठीक है, ऊपर आ गया है, तो वो भाग हरा होने लग जाता है, जिसे हम बोलते हैं आलू का हरा होना। और यह हरा रंग जो है वो किसके कारण होती है? एंथोसायनिन के कारण होती है। किसके कारण होती है? एंथोसायनिन के कारण होती है। इससे सोलेनिन नामक विषैला पदार्थ बनता है। ठीक है, इससे सोलेनिन नामक विषैला पदार्थ बनता है, जो हमें याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया? सभी को सही चल रहा है? आवाज आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? वीडियो अटक तो नहीं रही है? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ठीक है, ये दो है इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, कौन कौन से हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? एक तो ब्लैक हार्ट है, ठीक है, जो ऑक्सीजन की कमी से होता है स्टोरेज में, और एक है कंद का हरा होना, जो सूर्य के प्रकाश की जो कमी से होता है, सूर्य की रोशनी जब उसमें कंद पर पड़ती है तो उसका रंग जो है वो हरा हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ आलू पूरा पका हुआ है लेकिन साइड से थोड़ा सा हरा हो रहा है। ठीक है, ओके, अब ये हमारी जो क्रॉप है वो लगभग कंप्लीट होती है। अब दोस्तों मुझे एक बार जल्दी से ये बताइए, आप सभी को आवाज सही आ रही है मेरी? वीडियो अटक तो नहीं रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? और क्या आप रैपिड डिवीजन के लिए तैयार हो? जल्दी से मुझे कमेंट में यस लिखकर भेजिए। चलिए सभी को समझ में आ गया, आज की क्रॉप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, और मुझे उम्मीद है आपको मैंने काफी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नॉलेज दी है इसमें, जो शायद ही इसमें से कुछ ही एक चीज ऐसी रही होंगी जो शायद ही एग्जाम में यहाँ से छूटे, बाकी मैक्सिमम चीजें हमारी जो एग्जाम में आती हैं वो सारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, सभी रेडी हैं? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं हम। अच्छा, मैंने जैसा कि आप सभी को प्रॉमिस किया था कि आज आपके लिए मैं एक सरप्राइज लेकर आया हूँ, तो इसका रैपिड रिवीजन तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम वो जो 10-15 टर्मोलॉजी हैं उनको भी क्लियर कर लेते हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि इनकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, क्रॉप के अंदर हम इसको ऐड नहीं करना चाहते हैं क्योंकि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। क्रॉप की सीरीज को कम्प्लीटली, क्रॉप की सीरीज ही चलने देते हैं, जब हम जनरल पढ़ेंगे तब हम इनको क्लियर कर लेंगे, बट आज मेरा मन किया तो मैंने आपको सामने लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आलू अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, तो उसके साथ में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाए तो मजा आ जाएगा, है ना, सोने पर सुहागा हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है जैसे कि आज की हम इसमें एक्स्ट्रा जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि बहुत सारी क्रॉप हैं जिनके अंदर अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की कर्षण क्रियाएं या फिर प्रैक्टिस की जाती हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो किस फसल के अंदर कौन सी प्रैक्टिस की जाती है, कौन सी प्रक्रिया की जाती है
उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों नेम कभी कभी सेम है, फिर भी मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिए हैं और आपके सामने ये एक टेबल दिख रही है जिसमें हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जनरली याद ही करना होता है, बस समझना होता है कि ये होता क्या है ना। सबसे पहले आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है स्ट्राइपिंग, ठीक है। इंग्लिश में भी हम इसको स्ट्राइपिंग बोलते हैं। स्ट्राइपिंग किसके अंदर की जाती है? जूट के अंदर की जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है और मैं आप सभी से पर्सनली कहना चाहूंगा दोस्तों इसको लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके बहुत काम आने वाली है ये, ठीक है। स्ट्राइपिंग किसके अंदर होती है? जूट के अंदर होती है। निपिंग प्रोसेस किसके अंदर होती है? निपिंग जो होती है वो चने के अंदर होती है, जैसा कि हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। निपिंग में क्या होता है, जो ऊपर वाली पत्तियां हैं उनको हम तोड़ते हैं ताकि जो चना है वो उसकी शाखाएं बढ़े, ताकि पॉड फॉर्मेशन ज्यादा हो, और इसके लिए हम क्या करते हैं भेड़ों का जो झुंड है उसको खेत से दौड़ाते हैं जल्दी, है ना। नेक्स्ट टॉपिंग, टॉपिंग किस में की जाती है? कपास के अंदर की जाती है। टॉपिंग टॉप को तोड़ा जाता है, ठीक है। रेपिंग किसके अंदर की जाती है? रेपिंग जो है वो गन्ने के अंदर की जाती है। उसके बाद में प्रोपिंग, प्रोपिंग किसके अंदर की जाती है? केला या गन्ने के अंदर की जाती है। प्रोपिंग मतलब उसको बांध देते हैं ऊपर से, हमने कल ही डिस्कस किया था कल की क्लास में ही, प्रोपिंग जो होती है उसमें क्या देते हैं उसको बांध देते हैं, तो केला और गन्ना के अंदर प्रोपिंग की जाती है। पांच पढ़े थे, क्लियर है। स्ट्राइपिंग किसके अंदर की जाती है? जूट के अंदर। निपिंग किसके अंदर की जाती है? चने के अंदर, ठीक है। टॉपिंग किसके अंदर की जाती है? कपास के अंदर। रोपिंग किसके अंदर की जाती है? गन्ने के अंदर। और प्रोपिंग गन्ना और केला दोनों के अंदर की जाती है। नेक्स्ट है ट्रेसिंग, ठीक है। ट्रेसिंग भी हम किसके अंदर करते हैं? गन्ने के अंदर करते हैं। डिटेसलिंग, डिटेसलिंग किसके अंदर करते हैं? मक्का के अंदर करते हैं। जो टेसल्स होते हैं, जो नर भाग है, नर फूल, उनको बाहर निकालना क्या कहलाता है? डिटेसलिंग कहलाता है ना। पैगिंग, पैगिंग किसके अंदर होती है? मूंगफली के अंदर होती है, आप सभी को पता ही है, ठीक है। पैगिंग करते हैं इसमें। और रेटिंग किसके अंदर करते हैं? रेटिंग हम करते हैं जूट, अलसी और सनई, इसके अंदर हम रेटिंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिनिंग के अंदर, हम बात करते हैं, ठीक है। जिनिंग के अंदर जो हम बात करते हैं वो है कपास। जिनिंग किसके अंदर करते हैं? कपास के अंदर करते हैं। तो अगेन हमने फाइव टर्मोलॉजी और पढ़ी है। सबसे पहली पढ़ी है ट्रेसिंग किसके अंदर करते हैं? गन्ने के अंदर। फिर डिटेसलिंग किसके अंदर करते हैं? मक्का के अंदर। पैगिंग किसके अंदर करते हैं? मूंगफली के अंदर। रेटिंग किससे संबंधित है? जूट, अलसी या सनई से संबंधित है। और जिनिंग किस में करते हैं? कपास के अंदर करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है स्टैकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्टैकिंग, स्टैकिंग किसके अंदर की जाती है? टमाटर के अंदर की जाती है। नेक्स्ट है एरोविंग, एरोविंग किसके अंदर की जाती है? गन्ने के अंदर की जाती है। नेक्स्ट है रेटूनिंग, रेटूनिंग किसके अंदर की जाती है? गन्ने के अंदर की जाती है, जो हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। उसके बाद में अर्थिंग अप, मिट्टी चढ़ाना, मिट्टी चढ़ाना, अर्थिंग अप किसके अंदर करते हैं? आलू के अंदर करते हैं, थोड़ी देर पढ़ा था। गन्ने के अंदर भी करते हैं, मूंगफली के अंदर भी करते हैं। इन तीनों फसलों के अंदर हम अर्थिंग अप करते हैं, मिट्टी चढ़ाना करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हलिंग और मिलिंग, ठीक है। हलिंग और मिलिंग किस में करते हैं? चावल के अंदर करते हैं। तो अगेन फाइव ये हैं। तो कुल मिला के हमने 15 टर्मोलॉजी पढ़ी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जितनी भी कर्षण क्रियाएं हैं, खासकर ये 15 ही हैं, आप इन 15 को याद रखना जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। वापस रिपीट करते हैं, स्टैकिंग किसके अंदर की जाती है? टमाटर के अंदर। एरोविंग किसके अंदर की जाती है? गन्ने के अंदर। रेटूनिंग किसके अंदर की जाती है? गन्ने के अंदर। अर्थिंग अप गन्ना आलू और मूंगफली के अंदर करते हैं। हलिंग और मिलिंग किस में करते हैं? चावल में करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने ये सब चीजें पढ़ी हैं। अब हम जो हमारा नेक्स्ट जो बात आती है, नेक्स्ट हमारा जो एक्टिविटी है वो है हमारी रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन के लिए आप सभी तैयार हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट में यस लिखकर भेजिए। ओके, ऑलरेडी सभी के यस आ रहे हैं। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम शुरू कर देते हैं आज की क्लास को। जल्दी से जिन बच्चों ने कमेंट नहीं किया है वो एक बार वीडियो को वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, जो जो वीडियो को देखते हैं एक बार लाइक कर दीजिए और यहाँ से अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, है ना, वीडियो एंड होने के बाद में। चलिए दोस्तों हम रैपिड रिवीजन की ओर चलते हैं। सभी तैयार हो जाइए। ओके, चलिए तो जैसा कि आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है, आलू के बारे में हम आज रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। पूरी फसल को पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। चलिए शुरू करते हैं। आलू को सब्जियों का राजा कौन है? आलू। आप आंसर देना, ठीक है, स्क्रीन को नहीं देखना। नेक्स्ट, आलू का वानस्पतिक नाम क्या होता है? सोलेनम ट्यूबेरोसम होता है। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी कुल से संबंधित है। आलू का उद्गम स्थान, ओरिजिन प्लेस क्या है? दक्षिण अमेरिका, पेरू है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहां पर है? लीमा या पेरू के अंदर है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? शिमला के अंदर है। आलू में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 2N = 48 होते हैं।
आलू के अंदर प्रोटीन कितनी मात्रा में पाई जाती है? प्रोटीन आलू के अंदर 14 से 20% पाई जाती है। आलू के फल का प्रकार क्या है? आलू के फल का प्रकार है सरस या बेरी। आलू किस प्रकार का फल है? तने का रूपांतरण रूप है। ठीक है, आलू का फल क्या है? तने का रूपांतरण रूप है। आलू के अंदर क्या पाई जाती है? स्टार्च ज्यादा पाई जाती है, उस स्टार्च को क्या कहते हैं? फरीना कहते हैं। स्टार्च को क्या कहते हैं? फरीना कहते हैं। आलू के अंदर जो सुगंध होती है वो किसके कारण होती है? डाइमिथाइल पाइराइजिन के कारण होती है। नेक्स्ट हम इसमें क्लाइमेट की बात करते हैं, तो आलू किस प्रकार की क्लाइमेट का पौधा है? ठंडी जलवायु का पौधा है। ठीक है, और ठंडी जलवायु का पौधा है। इसके अंकुरण के समय 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है, वृद्धि के समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, और कंद निर्माण के समय 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। आलू के लिए मिट्टी में जो पीएच है वो कितनी पीएच वाली मिट्टी आवश्यक होती है? 5 से 6.5 पीएच वाली मिट्टी आवश्यक होती है, उपयुक्त रहती है। आलू की किस्मों की बात करते हैं, किस्में 3 प्रकार की होती हैं, अगेती किस्में, मध्यम किस्में और देरी से पकने वाली किस्में या पछेती किस्में। ठीक है, अर्ली, मीडियम और लेट वैरायटी। अर्ली वैरायटी कौन कौन सी है? कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी जवाहर, कुफरी पुखराज, तीनों अर्ली वैरायटी है। ठीक है, मध्यम वैरायटी कौन कौन सी है? कुफरी लालिमा, कुफरी चिप्सोना, कुफरी स्वर्णा, जो निमेटोड रेसिस्टेंट वैरायटी है, सूत्रकृमि रोगी वैरायटी है, ये सारी आती हैं। और लेट वैरायटीज कौन कौन सी हैं? देरी से पकने वाली, कुफरी गिरिराज और कुफरी चमत्कार। अब इसका थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ आपको एक ट्रिक बता दूँ, मतलब कुछ ट्रिक बनाते हैं ताकि आपको ये याद हो जाए, है ना। तो एक सेकेंड रुकिए, आपको हम ट्रिक सोचते हैं। चलिए, इसमें हो सकता है आज वीडियो अटक जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। ठीक है, ट्रिक मैं आपको इसकी जल्दी बता दूंगा। मैं ट्रिक जो आ रही है, आप जल्दी से ये बना सकते हैं कि जो क्या होता है कि जवाहर जो होता है उसको पुखराज की परख होती है। ठीक है, पुखराज को पहचान लेता है तो वो चंद्रमुखी के पास जाता है। जवाहर जो है वो पुखराज को लेकर किसके पास जाता है? चंद्रमुखी के पास जाता है। वो जल्दी जाता है, भाग के जाता है। ठीक है, और भाग के जाता है, लेकिन क्या होता है कि उसके द्वारा चमत्कार होता है, वो लेट हो जाता है। ठीक है, तो गिरिराज का जो गिरिराज भगवान का, चलो मतलब गिरिराज का जो चमत्कार है वो लेट हो जाता है। ऐसे कुछ रिलेट कर सकते हो आप, याद कर सकते हो दोस्तों, कुछ भी स्टोरी बनाकर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांटिंग टाइम की। ठीक है, उत्तरी भारत में प्लांटिंग टाइम जो होता है, बुआई का समय होता है वो 25 सितंबर से 10 अक्टूबर होता है। ठीक है, और मध्यम फसल में बात करते हैं 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर होता है। ठीक है, 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर इसमें होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जनवरी से फरवरी, इसमें हम क्या करते हैं, जनवरी फरवरी में हम इसका प्लांटिंग टाइम रहता है। एक सेकंड दोस्तों, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? चलिए, ओके, रेडी 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 रेडी, क्लियर हो गया यहां तक। बुआई के समय की हम बात करते हैं, तो बुआई का समय कब होता है? उत्तरी भारत में 25 सितंबर से 10 अक्टूबर होता है, मध्यम भारत में 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होता है, और पहाड़ी क्षेत्रों में जनवरी फरवरी में करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड रेट की बात करते हैं दोस्तों, बीज दर की बात करते हैं। बीज दर इसमें 20 से 25 क्विंटल कंद, ठीक है, पॉड होते हैं, ध्यान रखना, कंद पर हेक्टेयर आवश्यक होते हैं। बीजोपचार किसके द्वारा करते हैं? बीजोपचार इसमें सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए हम इसमें थायो यूरिया काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? थायो यूरिया काम में लेते हैं। थायो यूरिया के अलावा हम 1 ppm जिब्रेलिक एसिड भी काम में ले सकते हैं, और 3% हम पोटेशियम थायोसाइनेट भी काम में लेते हैं। जिन बच्चों को लग रहा है मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं, उनको मैं बता दूं ये रैपिड डिवीजन चल रहा है, भाई साहब फास्ट ही चलेगा, है ना। ओके, बुआई की बात करते हैं, बुआई का तरीका क्या है? मेड पर बुआई करते हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कर सकते हैं, और दूसरी विधि है हम समतल विधि के द्वारा भी है उसमें बुआई कर सकते हैं। सामान्यतः तो दूरी जो रखते हैं, अगर हमें अर्ली वैरायटी काम में लेनी है, ठीक है, अर्ली अगेती हमें फसल काम में लेनी है, तो 60 × 20 हम उसमें लेते हैं डिस्टेंस रखते हैं R × P, और अगर समय पर बुआई कर रहे हैं तो 45 × 20 इसकी सामान्यतः R × P डिस्टेंस होती है। इसके अंदर आलू के अंदर अर्थिंग अप की प्रक्रिया की जाती है, जो 40 दिन के बाद करते हैं, ये आप सभी को पता होगा, अभी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट ट्रू पोटेटो सीट इंपॉर्टेंट है, TPS जिसको हम बोलते हैं, वो किसके द्वारा विकसित की गई? रामानुजन ने विकसित की थी TPS तकनीक। ठीक है, ये किस किस्म के लिए की थी? फुलवा किस्म के लिए प्रदर्शित की गई थी, है ना। इसके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या है कि जनरली हम कंद को ले जाकर खेत में बोते हैं, लेकिन अगर नर्सरी की तैयार भी उसकी आलू की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं, वो TPS टेक्निक के द्वारा तैयार कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सीड रेट कम आवश्यक होती है ना, तो 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट आवश्यक होती है, और तथा नर्सरी क्षेत्रफल जो है वो 75 cm² आवश्यक होता है। फिर आफ्टर 30 डेज, 30 दिन के बाद में हम उसको दूसरी जगह खेत में प्लांटेशन कर देते हैं, खेत के अंदर स्थानांतरण कर देते हैं।
क्लियर। उसके बाद में खाद उर्वरक की बात करते हैं, तो इसमें 150 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन, 60 kg पर हेक्टेयर फास्फोरस और 60 से 80 kg पोटास पर हेक्टेयर इसमें आवश्यक होता है एनपीके के रूप में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एमओपी काम में नहीं लेते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि वो इनके अंदर आलू के अंदर जो शुगर कंटेंट है उसको डिस्टर्ब कर देता है। आलू, गन्ना या चुकंदर में शुगर की मात्रा, शर्करा की मात्रा को डिस्टर्ब कर देता है, तथा तंबाकू के अंदर जो निकोटीन है उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो इन फसलों में हम एमओपी तो कतई काम में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें इरिगेशन। इरिगेशन की बात करते हैं तो इसमें वाटर रिक्वायरमेंट जो होती है वो 400 से 600 mm रिक्वायरमेंट होती है, और इसका पॉड फॉर्मेशन मेन है, तो कंद निर्माण के समय इसकी क्रिटिकल स्टेज है, कंद निर्माण के समय हमें सिंचाई करनी चाहिए। क्लियर। खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन कौन से हर्बिसाइड काम में लेते हैं, एट्राजिन काम में ले सकते हैं 0.5 kg पर हेक्टेयर, ठीक है, अंकुरण से पहले, और वैसालिन काम में लेते हैं 0.7 kg पर हेक्टेयर बुआई से पहले, ठीक है। सीड प्लॉट टेक्निक आलू के अंदर अपनाई जाती है, जो किसने दी थी, पुष्कर नाथ ने विकसित की थी। इसमें क्या होता है, इसमें विषाणु रहित पौधे उत्पन्न किए जाते हैं सीड प्लॉट टेक्निक के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहली बात किसने दी थी, पुष्कर नाथ ने दी थी, और विषाणु रहित पौधे इसमें उत्पन्न किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर डिजीज कौन कौन सी लगती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिजीज है या मेजर जो डिजीज है वो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो, पछेती झुलसा, किसके कारण होती है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के कारण, जो ट्रिक बताई थी उसको याद रखना। इस बीमारी के कारण क्या होता है, आयरलैंड में 1945 में अकाल पड़ा था, ठीक है, और इसके उपचार के लिए क्या काम में लेते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% काम में ले सकते हैं, या मेनकोजेब 0.2% हम काम में ले सकते हैं लेट ब्लाइट के लिए। उसके बाद दूसरी जो डिजीज लगती है वो है अर्ली ब्लाइट, किसके द्वारा होती है, अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा होती है। उसके बाद में थर्ड जो डिजीज है, तीसरी जो रोग है वो है ब्लैक स्कर्फ, जो राइजोक्टोनिया सोलेनाई के द्वारा होती है, इसके लिए हम एगलोल से सी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में फोर्थ जो डिजीज होती है वो है स्कैब डिजीज होती है, जो स्ट्रेप्टोमाइसी स्कैबी के द्वारा होती है, जो क्षारीय भूमि जो होती है, बेसिक सॉइल जो होती है उनके अंदर ज्यादा होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बोरिक एसिड से, बोरिक अम्ल से बीज उपचार करते हैं, सी ट्रीटमेंट करते हैं। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉटर रोग इसके अंदर लगता है, ठीक है। वॉटर रोग क्या होता है, साइजिट्रियम एंडोबायोटिक कवक के द्वारा होता है, ठीक है। और उसके बाद में सुनहरा डिजीज, गोल्डन नेमेटोड भी इसमें लगता है, जो ग्लोबोडेरा रोस्टा काइनेसिस सूत्रकृमि से होता है ना। और यह क्या करता है, यह जो निमेटोड है वो ट्यूबर मोथ को फैलाता है, मुख्य रोग जो होता है वो ट्यूबर मोथ इसके द्वारा होता है। कीट की बात करते हैं, इसमें कीट कौन कौन से आवश्यक होते हैं, तो कटवर्म है, कटवर्म इसके अंदर लगता है, जो क्या करता है, इसमें उसको खाता है। तो यह जो कीट है वो खेत और भंडारण दोनों जगह नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। कटवर्म इसमें इंसेक्ट लगता है जो दोनों जगह नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद हम इसमें इल्ड की बात करते हैं, उपज कितनी प्राप्त होती है, 300 से 400 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं इसमें, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लैक हार्ट। दहक विकार कौन कौन से होते हैं, ब्लैक हार्ट होता है जो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है। जब हम आलू को स्टोरेज करते हैं वहां पर अगर ऑक्सीजन की कमी है तो वहां पर आलू जो है वो ब्लैकिश कलर का हो जाता है, सड़ जाता है, आप सभी ने देखा होगा, तो वो ब्लैक हार्ट होता है जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। उसके बाद में दूसरा है कंद का हरापन होना। कंद का हरापन में क्या होता है कि खेत के अंदर जब हम आलू का बोता है, आलू बोते हैं, तो आलू का भाग जो अगर जमीन से ऊपर आ जाता है उस पर अगर मतलब अर्थिंग अप करते हैं ना, मिट्टी ढकते हैं, मिट्टी के द्वारा हम उसको धरते हैं, बाय चांस अगर मिट्टी के द्वारा उसको नहीं ढका, आलू का भाग खुला रह गया, तो जो भाग खुला रहेगा जिस पर सूर्य के प्रकाश की किरणें आ रही है, सूर्य की रोशनी आ रही है, वो भाग हरा हो जाता है, जो एंथोसायनिन के कारण होता है, ठीक है। इसीलिए आलू का जो है वो हरापन इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उससे क्या होता है, आलू की क्वालिटी घटती है, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से हमारी ये क्रॉप का रैपिड रिवीजन भी कंप्लीट होता है, साथ में हम इनका भी रिवीजन कर लेते हैं, कौन कौन सी कर्षण क्रियाएं इसमें की जाती हैं, जल्दी से फास्ट बोल रहा हूं दोस्तों, आप जल्दी से याद करना। स्ट्राइपिंग किसमें की जाती है, जूट के अंदर की जाती है। निपिंग किसके अंदर की जाती है, चने के अंदर की जाती है। टॉपिंग किसके अंदर करते हैं, कपास के अंदर करते हैं। रैपिंग किसके अंदर करते हैं, गन्ने के अंदर करते हैं। प्रॉपिंग किससे संबंधित है, केला व गन्ने से संबंधित है। उसके बाद में नेक्स्ट है ट्रेसिंग किससे संबंधित है, गन्ने से संबंधित है। डिस्टेसलिंग किससे संबंधित है, डिटेसलिंग मक्के से संबंधित है। पैकिंग किसमें की जाती है, मूंगफली में की जाती है। रेटिंग किसमें करते हैं, जूट, अलसी और सनई में करते हैं। जिनिंग किसमें करते हैं, जिनिंग कपास में करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है स्टैकिंग किसके अंदर की जाती है, टमाटर के अंदर की जाती है। एरोबिंग किसके अंदर की जाती है, गन्ने के अंदर की जाती है, ठीक है। रेटूनिंग किसके अंदर की जाती है, गन्ने के अंदर ही की जाती है। अर्थिंग अप किन किन फसलों के अंदर करते हैं, अर्थिंग अप हम करते हैं आलू, गन्ना और मूंगफली के अंदर की जाती है। हलिंग या मिलिंग किसके अंदर की जाती है, हलिंग या मिलिंग चावल के अंदर की जाती है, ठीक है। दोस्तों क्लियर, आप सभी को समझ में आ गया अच्छे से, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आज की क्लास कैसी लगी? आज की क्लास में सब कुछ समझ में आ गया? अच्छा रहा तो मुझे जल्दी से वीडियो में कमेंट में यस लिखकर भेजिए, या फिर आपकी तरफ से जो भी फीडबैक आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। आपके पास में 1 मिनट का समय है दोस्तों, जल्दी से फीडबैक दीजिए। वीडियो को लाइक कर देना जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, और अपने दोस्तों को यहाँ से शेयर कर देना, अपने ग्रुप्स जितने भी एग्रीकल्चर के ग्रुप्स हैं उनमें यहाँ से शेयर कर देना दोस्तों। जल्दी से अगर आप कुछ फीडबैक देना चाह रहे हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट में यस कीजिए, अदरवाइज हम आज की क्लास को दोस्तों यहीं खत्म करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप के बारे में हमने आज की इस क्लास में डिस्कस किया जो एग्जाम में पूछी जाती है, मेजर क्रॉप है। ओके, कमेंट आ रहे हैं जल्दी से सभी की तरफ से, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप सभी को। ओके चलिए दोस्तों, बिल्कुल सही, सभी को समझ में आ रहा है ना दोस्तों? आपको ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो? फास्ट तो नहीं चल रहा ना, सब सही है ना? पढ़ते रहिए, स्क्रीन पर आपको बहुत अच्छे से हम मेहनत करके सारी पीपीटीज वगैरह तैयार करके लाते हैं ताकि आपको लिखना भी हो जाए, पढ़ना भी हो जाए और आपकी क्लास अच्छे से हो जाए। और रैपिड रिविजन के द्वारा मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको यहीं पर याद हो जाए वो क्रॉप, ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो। और फिर हम इसके क्वेश्चंस भी देखते हैं, 2 से 3 का जो टाइम हो उसमें हम इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जेट आई सर के एग्जाम से रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। ओके डियर ऑल ऑफ फ्रेंड्स, चलिए हम आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी जुड़े रहे, आप सभी ने क्लास अटेंड की उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके नोट्स बना लेना, जिन्होंने नोट्स बनाए हैं वो जरूर इनको पढ़ना, अच्छे से इसको याद करना। फिर जो क्वेश्चन सेशन होगा उसमें हम इस क्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सभी को दिल से धन्यवाद।